हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं असम इज डिश टेंगा मसर झूल और पिटिका, वो भी मछली का। तो ये असम इज डिश जो मसर पिटिका और जो टेंगा मसर झूल है, किसने किसने नहीं खाया है और किसने खाया है जरूर मुझको कमेंट कीजिए। और जिसने नहीं खाया है, आज मैं रेसिपी दे रही हूँ, आप लोग घर पे बनाइए और जरूर इसको एंजॉय कीजिए। खाइएगा, आप भी खाइए, आपकी फैमिली को भी खिलाइए और आस पड़ोस जो भी है ना उसको भी खिलाइए। ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग एक बार बना के इसको जरूर खाइएगा। तो चलिए, इसको बनाने के लिए जो हम लोग को इंग्रेडिएंट चाहिए, ये मेरा मिनी गार्डन में है, तो चलिए हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद इसकी रेसिपी हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। व्यूअर्स देखिए, ये है वो पौधा जिससे हम लोग आज टेंगा मसर झोल बनाएंगे। वैसे तो टेंगा मसर झोल कई प्रकार से बनते हैं, जैसे हो गया लेमन के साथ, बेम्बो शूट के साथ, एलिफेंट एप्पल के साथ, लेकिन आज जो हम लोग बनाएंगे वो है रोज लिली पौधे के साथ, जिसको असमिस में बोलते हैं तेंगा मोरा पौधा। तो चलिए वीडियो में आगे तक बने रहिए आप लोग। तो रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है टेंगा मोरा पात, फिर लोकल फिश, थोड़ा सा पंचपूरन, अनियन, मसूर दाल, अदरक लहसुन मिर्ची, आलू। तो चलिए इसको हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं बनाने के लिए किचन में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आंच पे एक बर्तन बिठा लीजिए, वहाँ पे सरसों का तेल 2 चम्मच डाल दीजिए। और एक टिप्स दे रही हूँ आज आप लोगों को, 1 चम्मच उसी ऑयल में आप लोग नमक डाल दीजिए, क्योंकि जब हम लोग मछली को फ्राई करेंगे तब वो फटे ना, हम लोगों के शरीर पे ना गिरे, तो ऐसे करने से आप लोगों के मछली उछल के नहीं आएगा आपके शरीर पे। नमक और मछली को एक साथ पैन में डाल देने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। ऐसे करने से क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोगों का टाइम भी कम लगता है, बचत होता है टाइम का और बर्तन भी गंदा नहीं होता है। सभी मछली को सेलो फ्राई कर लेने के बाद इसको एक बर्तन में हम लोग उठा के साइड कर लेंगे। अब जो तेल बच जाएगा उसी तेल में हम लोग थोड़ा सा पंचफूरन डाल देंगे, उसको 1 मिनट भून लेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे हरी मिर्ची को डाल के भी उसको एक साथ ही भूनेंगे। मिर्ची और पंचफूरन को हम लोग एक साथ भून लेने के बाद वहाँ पे जो प्याज काट के रखे थे ना उसको डाल देंगे, उसको भी भुनेंगे। उसके बाद जो आलू काट के रखे थे उसको डाल देंगे, उसको भी साथ में भुनेंगे। दोनों को साथ में भून लेने के बाद हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे। याद रखिएगा, नमक हम लोग पहले भी डाले थे इसलिए थोड़ा कम ही डालिए। उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए, अभी साथ में जो मसूर दाल है ना उसको भी डाल दीजिएगा। हम लोग मसूर दाल को धो के रखे थे, दाल के साथ उसको भी थोड़ा सा भून लेने के बाद हम लोग अदरक लहसुन जो छोटा छोटा बारीकी से काट के रखे थे उसको हम लोग डाल देंगे, उसको भी चला लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आप लोगों के अंदाजे के मुताबिक आप लोग डाल लीजिएगा कितना चाहिए आप लोगों को ग्रेवी। इसको डाल के आप लोग ढक्कन लगा के इसको 10 से 15 मिनट मीडियम आँच पर उबलने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, 15 मिनट बाद हम लोगों का जो झोल है बन के रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पर हम लोग जो टेंगा मोरा पात रोज लिली का पौधा है उसका जो पत्ता है इसको डाल देंगे, इसको डाल के इसको चला लेंगे। और एक बात है फ्रेंड्स, हम लोग अगर आप लोग ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं वहाँ पे इसी वक्त आप लोग थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डाल सकते हैं या बेम्बो शूट डाल सकते हैं। मेरे पास बेम्बो शूट था इसलिए मैं डाली हूँ, ये पूरा ऑप्शनल है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना खट्टा पसंद करते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने डाली हूँ। इसको डाल के 2 से 3 चम्मच डाल के इसको हिला लूँगी। उसके बाद वहाँ पे जो फिश हम लोग फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे, थोड़ा सा चला लेंगे, उसको ढक्कन लगा के उसको और 5 से 10 मिनट हम लोग उबलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हम लोग का पूरा बनके रेडी हो चुका है। अभी इसी वक्त हम लोग उसको ऑफ कर देंगे और आँच से उसको निकाल के रख देंगे। दूसरी ओर फ्रेंड्स, मसूर पिटिका या मछली की चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स है 2 प्याज, 1 भुजले का थोड़ा सा धनिया, 2 टमाटर, मछली, लहसुन और खरीसा या बेम्बो शूट। तो चलिए इसको हम लोग रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग ऐसा स्टिक ले लीजिए, अगर आप लोगों के पास ऐसा स्टिक है आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो बेम्बो स्टिक भी बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आप लोग फोक के साथ इसको ऐसे एक एक करके सील करके आप लोग आँच पे इसको भून सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग ऐसे इसको लगा लीजिए।
देखिए मेरा सभी स्टिक करके हो चुका है। अभी हम लोग गैस ऑन कर लेंगे, हम लोग गैस पे ही इसको भुनेंगे क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ पे चूल्हा नहीं है। तो आप लोग जिसके पास चूल्हे नहीं है, आप लोग ऐसे ही गैस के ऊपर इसको भून लीजिए। देखिए मेरा भून के हो चुका है। अभी हम लोग एक प्लेट में सभी चीज़ों को निकाल के रख लेंगे और जितना हो सके आप लोग ऊपर से टमाटर के स्किन हटा लीजिए, जितना हो सके आप लोग उतना हटाइए। थोड़ा सा रहने से कोई बात नहीं, अच्छा ही लगता है, तो उसको आप लोग साफ़ कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो अनियन और धनिया था उसको हम लोग छोटा छोटा करके काट लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स रेडी हो जाने के बाद आप लोगों के पास अगर ऐसा कोई कूटना या मोटा पेसल है वहाँ पे आप लोग सभी इंग्रेडिएंट्स को डालिए, साथ में थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल भी डालिए और इसको अच्छी तरह से आप लोग कूट लीजिए। उसके बाद आप लोगों का चटनी बनके रेडी हो जाएगा। और साथ में जो मछली है ना उसका काटा आप लोग थोड़ा जितना हो सके आप लोग हटा दीजिए काटे को और उसको अच्छी तरह से कूट लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नींबू और थोड़ा सा रेनबो शूट एक चम्मच मुताबिक आप लोग लास्ट में डाल के थोड़ा सा उसको भी कूट लीजिए। उसके बाद आप लोगों का मसूर पिटिका या मसूर चटनी बनके रेडी हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों का असम का ट्रेडिशनल डिश तेंगा मसूर झूल और मसूर पिटिका बनके रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसको आप लोग घर पे जरूर बनाइएगा, इसको जरूर एक बार बना के मुझको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए कि आप लोगों को कैसा लगा। देखिए इतना देखने में शानदार है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। और देखिए इसको देख के तो मुँह में पानी आ जाएगा। तो आप लोग घर पे जरूर बनाइएगा, उसको बना के उसके बाद मुझको कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा है।